आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हमको जानना है भक्ति आंदोलन के बारे में। अगर हम बात करें कि भक्ति आंदोलन क्या है और इसकी विकास कैसे हुई, तो भक्ति आंदोलन का मतलब होता है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। और हिंदू धर्म में जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था सूफी आंदोलन के बारे में, तो उसमें इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया गया था ना, ईरान फारस वाले क्षेत्र से फिर भारत में लाहौर तरफ आया, फिर दिल्ली में, फिर इधर बिहार वाले क्षेत्र में फिर फैल गया। मतलब कि यह पाकिस्तान वाले क्षेत्र से सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे उत्तर भारत फिर दक्षिण भारत में पूरा तरह से फैल गया था। लेकिन भक्ति आंदोलन उसी टाइम पे हुआ, यानी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों एक ही समय पे हुए हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को टाइम में मिलेगा ना। और भक्ति आंदोलन हमारे भारत में दक्षिण इंडिया से शुरू हुआ था। कहाँ से? दक्षिण इंडिया यानी कि साउथ इंडिया से, यहाँ से शुरू हुआ था। और यहाँ से भी कर्नाटक वाले क्षेत्र से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन यह धीरे 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 फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर राजस्थान ना, यानी कि ऐसे बढ़ते 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 फिर बिहार, फिर बंगाल में, पूरा भारत में इस आंदोलन को ना बढ़ा दिया गया। और भक्ति आंदोलन का तात्पर्य भगवान की भक्ति से है। और भक्ति आंदोलन में ही जैसे सूफी आंदोलन में संप्रदाय थी, इसमें भी आप लोगों को कुछ भाग, कुछ ना कानून नियम देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें कि इसका विकास कब हुआ और यह घटना कब की है, तो यह घटना 6ठी शताब्दी की है। 6ठी शताब्दी का मतलब जैसे आप लोग 500 ईस्वी हो गया ना, 500 से लेकर के 599 तक को हम 6ठी शताब्दी कहते हैं ना। अभी हमारे पास कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। अभी हमारे पास 2023 है, तो यह 21वीं शताब्दी है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक को बढ़ा करके गिनते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, आप लोग चाहे क्रिकेट खेलते होंगे, तो यहाँ पे 4.5 ओवर का मतलब का कौन सा ओवर चल रहा है? अभी पांचवा ओवर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चौथा ओवर बीत गया है और पांचवा ओवर का 5 गेंदा फेंका गया है। सेम वही बात यहाँ पे है कि 6ठी शताब्दी का मतलब का कि इससे पहले ना, यानी कि 500 से 599 के बीच की ये घटना है भक्ति आंदोलन की। और भक्ति आंदोलन को दो संतों ने मिल करके शुरू किया था, वैष्णव संत और शैव संत। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया है कि वैष्णव संत कितने थे, तो 12 थे, यानी कि 12 अलवार वैष्णव संत ने मिल करके भक्ति आंदोलन को शुरू किया था, और 63 शैव संतों ने मिल करके भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। वैष्णव आंदोलन को सॉरी भक्ति आंदोलन को वैष्णव संत और शैव संत मिल करके शुरू किए थे। अलवार शब्द आप लोगों को यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि अलवार शब्द का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो कि पूरी तरह से भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गया हो ना, एंड भगवान की भक्ति में अगर आप जो पूर्णतः लीन हो जाता है, उसको हम लोग अलवार व्यक्ति यानी कि अलवार संत के नाम से जानते हैं। तो अलवार वैष्णव संत का मतलब कि अलवार वो व्यक्ति को बोलते हैं जो कि पूर्णतः भगवान की भक्ति में लीन हो गया, आराम से बिंदास, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र अलवार भक्ति महिला साध्वी, यानी कि अलवार वैष्णव संतों में 12 जो जो व्यक्ति थे, ये संत थे, इन 12 व्यक्ति में वो कौन सी महिला थी जिसने की अलवार यानी कि वैष्णव जो कि भक्ति आंदोलन में शामिल हुई थी, तो अंडाल साध्वी थी, और यह शैव भक्त नहीं थी, वैष्णव संत थी ना, अलवार की टाइप की थी। यह कृष्ण की भक्ति में ज्यादा लीन थी, इसलिए इसको इसकी जीवनी को पढ़ने में हम लोग को कृष्ण की कथाओं का पूरा तरह से वर्णन मिलता है। और भक्ति आंदोलन के संतों को दो भागों में बांटा गया है, पहले वैष्णव संत जैसा कि हमने पास यहाँ पे पढ़ा है, और दूसरा शैव संत जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। वैष्णव संत में जितने भी संत थे, ये सब भगवान विठोबा को ना पूजा पाठ करते थे, भगवान विठोबा का, और ये आप लोगों को महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। और शैव संत जो कि निर्गुण भक्ति करते थे, और निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि पूर्णतः भगवान को एकदम अपने आप को समर्पित कर देना, दिन भर रात भर जब टाइम मिले, ना किसी की आने की खुशी, ना किसी के आने का गम, ना हमेशा आप लोग भगवान की भक्ति में यहाँ पे लीन रहते थे, जो कि शैव संत थे, और ये निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण भक्ति का मतलब ये होता है कि आप लोग पूरी तरह से भगवान की भक्ति में एकदम डूब जाओ। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि दक्षिण भारत में, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआती में ही पढ़ा है कि भक्ति आंदोलन को यहाँ से शुरू किया गया था, तो यहाँ से यहाँ पे कौन लाया? दक्षिण भारत में शुरू हुआ, तो दक्षिण भारत में शुरू होने के बाद भी उत्तर भारत में इसको किस व्यक्ति के द्वारा लाया गया था? तो रामानंद के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए, ये आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो रामानंद के द्वारा लाया गया था। और रामानंद के ना दो गो शिष्य हुए, सगुण शिष्य थे और एक निर्गुण शिष्य थे।
सगुण शिष्य का मतलब होता है कि जो आस्था रखते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, और निर्गुण शिष्य का मतलब कि जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से भक्ति में लीन कर देते हैं। तो रामानंद के शिष्य दो प्रकार के हुए ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि भक्ति आंदोलन में सगुण संत कितने थे और कौन कौन थे। तो तुलसीदास रामानंद के सगुण संत थे, नाभादास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य, आप लोगों को ये सब जितने भी हैं आप लोगों को देखने को यहाँ पे ना मिल जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो निगुण संत में कबीर ही आते थे, क्योंकि कबीर को पुनर्जन्म की अभिलाषा नहीं थी और यह भगवान की भक्ति में एकदम लीन थे पूरी तरह से। इसलिए कबीर को ना भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो कबीरदास। ठीक है, और देखिए यहाँ से दक्षिण भारत से हम जानते हैं कि उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था, लेकिन बंगाल में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ने। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ये दोनों ही मिलकर बंगाल में भक्ति आंदोलन को शुरू किए थे। अब यहाँ से हम भक्ति आंदोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिए हैं, और समाप्त करने के बाद में हम जानेंगे अगले वीडियो में कि भक्ति आंदोलन के कितने संत थे और कौन कौन से थे। जैसा कि आपको इन सभी के बारे में उसमें पढ़ने को मिलेगा, कबीरदास के बारे में पढ़ने को मिलेगा, रामानंद सागर के बारे में, रामानंद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एंड रामानुजाचार्य के बारे में फिर पढ़ने को मिलेगा, शंकराचार्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे और उन्होंने कहाँ क्या किया अपने लाइफ में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।